हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है रीमा सुधीर। और अभी 8 बज रहे हैं, मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया है। अभी मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट बनाने, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। और मैं क्या बना रही हूँ वो रेसिपी मैं आप लोग से शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ आप लोग पूरे ब्लॉग में बने रहिए और देखिए कि मैं क्या बना रही हूँ। तो मैं चलती हूँ किचन में। मैं बना रही हूँ थेपला। तो इसके लिए मैं ली हूँ आटा, थोड़ा सा बेसन ली हूँ, और ये थोड़ा सा तेल है रिफाइंड, और ये मैं ली हूँ जीरा, जीरा और 2-3 गोल मिर्च है, और एक सूखा मिर्चा जो मैं भून के और इसको मैं पीस ली हूँ सूखा। हल्दी है, नमक, और इतना चीनी ली हूँ, धनिया पत्ता। और इसका मैं चटनी बनाऊँगी, इसका भी रेसिपी मैं आप लोग से शेयर करूँगी। तो आप लोग अच्छे से वीडियो में बने रहिए। और एक चीज़ इसमें डाली थी मैं, जो मैं आप लोग को नहीं दिखाई, इसमें भूल गई थी दिखाना, जवाइन डाली हूँ मैं। इसमें जवाइन डालती हूँ थोड़ा सा, बहुत टेस्टी लगता है। तब मैं इसको बना लेती हूँ, पीसूँगी, उसके बाद चटनी बनाऊँगी। मैं पीस के बनाती हूँ, ऐसे भी बनाती हूँ, लेकिन ज़्यादा अच्छा लगता है। इसको मिक्सी में पीस लीजिए फिर बनाइए तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं जा रही हूँ इसको देखिए, इसके लिए मैं मिर्च ली हूँ, 5 फोरन तेज़पत्ता, जीरा और थोड़ा सा राई है इसमें, 2 इलायची, इतना चीनी, और नमक भी डालूँगी इसमें। तो मैं नमक पहले ही इसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा। मैं बनाती हूँ, इसके बाद तेज़पत्ता, तब ये दोनों डाल दूँगी। इसको थोड़ा सा और इसमें मैं डालती हूँ, इसको 5 मिनट तक ऐसे ही पकाऊंगी। फिर इसमें चीनी डालूंगी। दोनों ही रेडी हो गया। आप लोगों को कैसा लगा दोनों रेसिपी, चटनी और थेपले का, आप लोग ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। गाइस, अभी 5 बज गए हैं, मैं जा रही हूँ इवनिंग ब्रेकफास्ट बनाने। और इवनिंग ब्रेकफास्ट में क्या बना रही हूँ उसका भी रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। मॉर्निंग का भी की हूँ, मॉर्निंग में क्या बनाई थी उसका भी रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर की हूँ। तो दोनों का ही आप लोग बताइएगा कैसा लगा। और प्लीज़ जो लोग मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। पैसा नहीं लगता है आप लोग को लाइक सब्सक्राइब करने में, तो प्लीज़ आप लोग किया कीजिए। अब वीडियो को पूरा देखा कीजिए आप लोग। हम लोग जितनी भी औरतें ब्लॉगिंग करती हैं, लोग घर का सारा काम करके ये बनाती हैं लोग। जो लोग न्यू हैं उन लोगों को तो बहुत सोचना पड़ता है कि क्या करें, क्या हम अच्छा दिखाएँ। तो इसीलिए आप लोग क्या कीजिए और वीडियो को पूरा आप लोग देखा कीजिए। हम कोशिश कर रहे हैं कि और भी अच्छा दिखाएं, तो मैं कोशिश पूरा करूंगी कि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो लाऊं, लेकिन प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए। अब मैं जा रही हूँ किचन में, बनाती हूँ पोहा। चूरा ली हूँ पोहा बनाने के लिए, चूरा ली हूँ 2 कप, और ये मैं ली हूँ मिर्च है, और ये प्याज, कड़ी पत्ता, धनिया पत्ता, और अदरक थोड़ा सा कद्दूकस कर ली हूँ, और एक नींबू ली हूँ, और ये बादाम है, और ये काजू थोड़ा सा ली हूँ, और फ़ोरन के लिए मैं ली हूँ जीरा, राई और धनिया। तो मैं स्टार्ट करती हूँ बनाना। हो गया है थोड़ा,
इसके बाद मैं मिर्च डाल दूँगी। बस अदरक भी डाल देंगे, अदरक मिर्च के साथ पका देने से ठीक रहता है, अच्छे से पक जाता है। इसके बाद तब प्याज डालूंगी मैं। इसको भून लेती हूँ 2 मिनट तक। कढ़ी पत्ता भी डाल दूंगी। अब इसमें मैं बादाम डाल देती हूँ और काजू भी डाल देती हूँ, दोनों एक साथ फ्राई कर दूँगी। थोड़ा सा धीमी आंच कर देती हूँ ताकि अच्छे से हो जाए फ्राई। उसके बाद तब चीला डालेंगे। नमक डाली और ये पक गया है, अच्छे से भुना गया है दोनों काजू और बादाम। अब इसमें मैं नींबू डाल रही हूँ। और इसमें हल्का सा चीनी डालूंगी थोड़ा सा। हो गया, अब मैं इसमें चीरा डालूंगी। बन गया मेरा पोहा। कैसा बना, कैसा लगा मेरा रेसिपी, आप लोग ज़रूर बताइएगा, मुझे कमेंट कीजिएगा। ये ब्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। कैसा लगा ये मेरा ब्लॉग आप लोग ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए आप लोग, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए। फिर मिलती हूँ मैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।